अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं टॉपिक्स, लेट मी रिकॉल यू, क्योंकि आज कोई बहुत नया टॉपिक नहीं है। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और कोलाजन के बारे में हमने थोड़ा देख लिया है। वी विल बी रिवाइजिंग द अर्लियर टॉपिक्स एंड आई विल बी आस्किंग यू मोर एंड टेलिंग यू सम व्हाट विल बी एडिंग टू समथिंग इन हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड कोलाजन। तो हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ लिया? कोलोरीमेट्री पढ़ा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा है। हमने आपको बताया व्हाट इज कोलोरीमेट्री, कोलोरीमेट्री का क्या यूज होता है। कोलोरीमीटर जो होता है इज द मोस्ट कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन बायोकेमिस्ट्री टेस्टिंग में, बायोकेमिकल्स के टेस्टिंग में। कोलोरीमीटर इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइज्ड। हम इसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं कोलोरीमीटर का? एनीवन रिमेंबर्स कोलोरीमीटर? आई हैव आस्क्ड अर्लियर टू टाइम्स, कोलोरीमीटर का यूज किसी को याद है? किस किस टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं? एनीवन? डू एनी ऑफ यू रिमेंबर समथिंग अबाउट कोलोरीमीटर एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस? कोलोरीमीटर का हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर रहे थे, क्या क्या यूज हमने बताया था? क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ सबको? यस सर। यस और नो? यस सर, यस सर। अच्छा, सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है हम क्या पूछ रहे हैं? तो प्लीज कुछ रिस्पॉन्ड करो, नहीं समझ में आ रहा तब भी बताओ। कोलोरीमीटर का हम लोगों ने कहाँ कहाँ यूज बताया था? हमने कुछ दो चार टेस्ट याद है जहां पे हम लोग कोलोरीमीटर का यूज कर रहे थे? क्या हम यूरिन में, ब्लड में, सीरम में, प्लाज्मा में कोई टेस्ट करने के लिए यूज कर रहे थे क्लोरीमीटर का? यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्या याद आ रहा है किसी को? नहीं, एकदम याद नहीं है। क्लोरीमीटर का यूज हमने बताया था, क्या क्या टेस्ट में यूज करते हैं? शुड आई रिवाइज? कोई बता भी नहीं रहा है, Nobody is responding. क्या कुछ याद है तो बताइए प्लीज। ऑल द पार्टिसिपेंट्स प्लीज गिव अटेंडेंस। आकाश? यस सर, मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया सर, मैं पहले नहीं था। क्या क्लास में नहीं थे पिछले? सर मैं नहीं सर, पिछली क्लास में मैं नहीं था। ओके, कोलोरीमीटर वाज द फर्स्ट और सेकंड क्लास आई थिंक। पहली सेकंड क्लास किया था? नो सर, नो सर। अमनदीप? अमनदीप रिस्पॉन्ड। रानू त्रिपाठी? कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्या हम समझ लेंगे? सबको आता है? आगे बढ़े। नो सर, मुझे नहीं आता। तो मैं नहीं आता है, चलो बढ़िया। तो कोलोरीमीटर हमने पहला क्लास लिया था। कोलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कोलोरीमेट्री के द्वारा हम लोग सबस्टेंस, कलर्ड सबस्टेंसेस को मेजर करते हैं। हमारे कई चीजें हैं जो टेस्ट करते हैं हमारे ब्लड में, यूरिन में, प्लाज्मा में और सीरम में, डिफरेंट ग्लूकोज लेवल, क्रिएटिनिन लेवल और डिफरेंट एंजाइम्स टेस्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे लीवर एंजाइम्स को हम लोग टेस्ट करते हैं, वो कोलोरीमीटर एक मशीन होती है, उससे टेस्ट करते हैं, ठीक है आकाश? ओके सर। ओके, ठीक है। और हमने एक और बताया था कोलोरीमीटर के अलावा, इलेक्ट्रोफोरेसिस बताया था। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं हम लोग आयंस को, मतलब किसी जैसे कि डीएनए वगैरह को इलेक्ट्रोड्स के द्वारा, मतलब पॉजिटिव और इलेक्ट्रोड्स डिफरेंट, मतलब हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा के चार्ज पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक एग्जांपल है जिसमें कि एग्रोस जेल यूज करते हैं और उसमें डीएनए मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम लोग टेस्ट करते हैं तो डीएनए को डिफरेंट बैंड्स में सेपरेट करने में इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मेथड होता है।
ठीक है, फिर उसको विजुलाइज करते हैं हम लोग डिफरेंट स्पेक्ट्रम में उसको जो है उसको फिर देखते हैं किस किस जो है लेवल पे वो सेपरेट हो गया है, मतलब डिपेंडिंग ऑन आयन और साइज के बेसिस पे हम लोग चार्ज पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से, ठीक है। तो ये हो गया कैलोरीमीटर एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर हमने बताया था अमीनो एसिड्स के बारे में, क्या अमीनो एसिड्स के बारे में सब लोगों ने सुना है, अमीनो एसिड्स टर्म सुना है ना। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन, प्रोटीन तो सुना होगा सब लोगों ने कि प्रोटीन क्या होता है। आकाश, अमनदीप, रानु एंड सुकृति, यस सर, अमीनो एसिड तो सुने हैं, सुना है ना आकाश। प्रोटीन क्या होता है, हमारी बॉडी में बिल्डिंग मटेरियल होता है ना हमारे बॉडी के टिश्यूज का, जी हाँ सर, ठीक है। प्रोटीन किससे बना रहता है, जिसमें सबसे स्मॉलर यूनिट होती है अमीनो एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड्स इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, और प्रोटीन हमारे बॉडी में आप जानते हो कई टिश्यूज में स्ट्रक्चर बनाने में काम आता है, मतलब हमारे बॉडी बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कह लो होता है। बोलते नहीं प्रोटीन, हम लोग पनीर खाते हैं प्रोटीन के लिए, और नॉन वेजिटेरियन फूड्स कुछ खाते हैं, मांस खाते हैं प्रोटीन ऑब्टेन करने के लिए ना, कि प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मेनी मटेरियल्स इन अवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में क्या करता है, और उसमें प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अमीनो एसिड्स, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। अमीनो एसिड से पेप्टाइड्स बनता है पहले, फिर पेप्टाइड्स से बड़ा यूनिट उसका बनता है प्रोटीन, मतलब अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन होते हैं। NH2CHRCOOH ग्रुप होता है जिसमें स्मॉलेस्ट, NH2CHRCOOH ग्रुप। तो पेप्टाइड्स क्या होते हैं, फिर अमीनो एसिड्स के शॉर्ट पॉलीमर्स होते हैं, क्या होते हैं, पेप्टाइड्स आर शॉर्ट पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। फिर पेप्टाइड्स आपस में मिलके बड़ा यूनिट एक बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोटीन, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स को हम लोगों ने डिवाइड किया था, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। हमारे बॉडी में जो प्रोटीन बनती है लगभग 20 अमीनो एसिड्स जो इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स होते हैं जिसको स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स बोलते हैं, उससे बने रहती है हमारे बॉडी की प्रोटीन्स, ठीक। तो उसमें 10 ऐसे अमीनो एसिड्स होती है जो एसेंशियल होती है, 10 ऐसी होती है जिसको नॉन एसेंशियल बोलते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होती है, वो अमीनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में बाहर से उसका सोर्स ऑफ मतलब इनटेक, वी हैव टू इनटेक फ्रॉम आउटसाइड, उसका सोर्स जो होता है बाहर से लेना पड़ता है, हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो पाती किसी तरीके से, ठीक है। दे आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। वो आप निमोनिक बना के याद कर सकते हो, लाइमी लू विसो वाटरी फैन हमने याद किया था कभी, आप लोग भी अपना निमोनिक एक बनाना कि कैसे अमीनो एसिड्स को एसेंशियल अमीनो एसिड्स को याद करना है, ठीक है। फिर पेप्टाइड्स हमने क्या बताया, शॉर्ट पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, और इसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होते हैं, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स होते हैं हमारे बॉडी में। जैसे कि हमने बताया था कई हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वैसोप्रेसिन है, ठीक है, और वैसोप्रेसिन थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और इस तरीके से डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स के रूप में काम करते हैं, ठीक। फिर हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटीन पेप्टाइड्स के बाद पढ़ा था हम लोग प्रोटीन्स के बारे में, अमीनो एसिड्स हम लोग पेप्टाइड्स पे आए थे। पेप्टाइड्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ शॉर्ट पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अब पेप्टाइड्स से आगे बढ़ते हैं तो क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन हमारे बॉडी में उसको कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन करते हैं उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से और बायोलॉजिकल फंक्शन के हिसाब से, ठीक। और तीसरा होता है उसके शेप एंड सॉल्युबिलिटी के हिसाब से प्रोटीन को डिवाइड करते हैं, और कंपोजिशन के हिसाब से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और बायोलॉजिकल फंक्शन के हिसाब से डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हम लोग बायोलॉजिकल फंक्शन के हिसाब से देखेंगे, तो क्या क्या बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन हम लोगों ने पढ़ा है, किस तरीके से यूज हो सकते हैं प्रोटीन्स हमारे बॉडी में, किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, एंजाइम्स के फॉर्म में हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के फॉर्म में हो सकते हैं, स्टोरेज प्रोटीन के फॉर्म में हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन के फॉर्म में हो सकते हैं, या रेगुलेटरी प्रोटीन के फॉर्म में हो सकते हैं। क्या कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बारे में बता सकता है, कौन सा स्ट्रक्चरल
ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हमने पिछले क्लास में बताया है, जो कि आज भी हम शेयर किया हुआ स्लाइड, उसमें कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के रूप में काम करता है? हीमोग्लोबिन, मायो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैसे काम करता है एज ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन? सर गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के थ्रू। ब्लड के थ्रू पार्टिकुलरली वी विल बी टेलिंग दैट ऑक्सीजन को वो क्या किया, लंग से डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में ले जाके उसको वहां पे प्रोवाइड कराया, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन कैसे काम किया, उसमें एक हेमी ग्रुप होता है जो कि जिसमें चार यूनिट्स होती है, बेसिकली चार हेमी यूनिट्स होती है हीमोग्लोबिन में, और एक हीमोग्लोबिन जो है चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करके उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। जबकि मायोग्लोबिन में हमने बताया था कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन में एक हेमी रहता है तो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा? एनीवन? हीमोग्लोबिन में चार हेमी है, चार मॉलिक्यूल से बाइंड किया, चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। मायोग्लोबिन में एक हेमी हेमी यूनिट है, तो एक से ही करेगा, एक से ही करेगा, डेफिनेटली। ओके डेफिनेटली। तो बायोलॉजिकल फंक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एंजाइम्स के रूप में काम कर सकता है। क्या इन कुछ एंजाइम्स के नाम बता सकते हो, बॉडी में कुछ एंजाइम्स जो हमारे काम करते हो? लाइपेज सुना है? तो जिसमें भी एज लग जाता है, जिसमें भी हम लोग देखेंगे एज लग जाएगा, वो क्या करेगा, एंजाइम के रूप में काम करता है। एज मींस आगे लगा हुआ, एज मींस इट इज एक्टिंग एज ए एंजाइम, ठीक है। तो कुछ प्रोटीन्स कैसे काम करेंगी, एंजाइम्स के फॉर्म में काम करेंगी, कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के काम, ट्रांसपोर्ट के प्रोटीन के रूप में काम करेंगे, कुछ स्टोरेज प्रोटीन के रूप में काम करेंगे। स्टोरेज प्रोटीन का एग्जांपल बता सकता है कोई? फेरिटिन हमने बताया था, फेरिटिन एंड लिपोप्रोटीन्स। फेरिटिन क्या स्टोर करता है, नाम से ही पता चल रहा है, फेरिटिन क्या स्टोर करता है? एनीवन? फेरिटिन विल बी स्टोरिंग आयरन, ठीक। और कुछ हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन के फॉर्म में काम करता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का एग्जांपल बता सकता है कोई? एनीवन? स्ट्रक्चरल प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन हमने क्या बताया था? यस बताइए, कोई कुछ बोल रहा था? एम आई क्लियर? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है? यस सर। ओके, देयर इज ऑलवेज सम नेटवर्क प्रॉब्लम, यू विल हैव टू बियर इट, थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एकदम नहीं आ रही है तो मैं, मुझे लगता है कि नेटवर्क मुझे चेंज करना पड़ेगा कुछ। नहीं नहीं सर, वैसे तो आ रही है, बट आपके बोलते बोलते ना कुछ चीजें नहीं समझ आती, वो एकदम वॉइस ब्रेक हो जाती है, तो वो रिदम नहीं बन पाता। ओके, क्योंकि आपकी आवाज तो हमारे पास एकदम क्लियर आ रही है, मुझे लगता है या तो मेरे तरफ से नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बता रहे थे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, बायोलॉजिकल फंक्शन के हिसाब से डिवाइड करते हैं, न्यूट्रिशनल बेसिस के हिसाब से हम लोग प्रोटीन्स को डिवाइड कर सकते हैं। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन वे होते हैं जिसमें सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और नॉन इनकम्प्लीट होंगे जो जिसमें हमें सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स उसमें नहीं रहते, ठीक है। फिर और दूसरे तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, कंपोजिशन के हिसाब से प्रोटीन्स को डिवाइड किया, सिंपल प्रोटीन्स एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन्स क्या होते हैं, जिसको हम लोग अगर ब्रेक करें तो क्या पाएंगे, सिर्फ अमीनो एसिड पाएंगे, कुछ अदर ग्रुप्स उसमें नहीं मिलेंगे। जबकि कंजुगेटेड अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, इसको हम लोग ब्रेक करें तो अमीनो एसिड्स के अलावा भी हमको कुछ दूसरा चीज मिल सकता है, ठीक, एक बाई प्रोडक्ट मिलेगा, अमीनो एसिड्स प्लस ए बाई प्रोडक्ट। जबकि ये सिंपल अमीनो एसिड्स में क्या, सिंपल प्रोटीन में क्या मिलेगा, वी विल ब्रेक, इफ वी ब्रेक दैट प्रोटीन वी विल गेट ओनली अमीनो एसिड्स। फिर व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन में हम लोग क्या करते हैं, denaturation is the loss of biological activity of protein, either हम लोग heat use किए या pH बहुत ज्यादा या ज्यादा कम कर दिए, कुछ chemicals use किए to break or to
डिक्रीज द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, तो उसको क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन कितने तरीके से हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है या कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन, दो तरीके से हो सकता है। तो डीनेचुरेशन में होता क्या है, हमने कोई पार्टिकुलर पीएच बहुत ज्यादा या बहुत कम यूज किया पीएच का, या टेम्परेचर का अल्टरेशन इतना ज्यादा किया कि उसका प्रोटीन का बायोलॉजिकल एक्टिविटी ही लॉस हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन जब प्रोटीन का होता है तो उसके सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है डिस्टर्ब हो जाएगा प्रोटीन का, दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, विच इज द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। ठीक, फिर हम लोग प्रोटीन्स को कैसे और डिवाइड किए थे, शेप एंड सॉल्युबिलिटी के हिसाब से। हमने बोला फाइब्रस भी हो सकते हैं प्रोटीन या तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हो सकते हैं। फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वेयर एज ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होंगे, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ग्लोबुलर प्रोटीन का हमने एग्जाम्पल बताया था क्या, ग्लोबुलर प्रोटीन कैसे होते थे, वाटर सॉल्युबल होंगे और स्फेरिकल इन शेप होंगे। ठीक, फिर हम लोग आगे बढ़े थे और हम लोगों ने पढ़ा था हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड कोलेजन के बारे में। हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एडल्ट्स में किस तरीके का हीमोग्लोबिन होता है, HbA हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं। एवरीबॉडी रिमेम्बर्स आई थिंक, थोड़ा बहुत तो याद होगा हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन पहले तो बताया हमने कि एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जिसमें चार हेमी ग्रुप्स होते हैं और चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करके हमारे टिश्यू लेवल पे उसको छोड़ता है। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट रहता है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट रहता है, ब्लड में। ब्लड में किस चीज में, ब्लड में प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स ना, आरबीसी में प्रेजेंट रहता है ना हीमोग्लोबिन, कहीं और प्रेजेंट रहता है, somebody is telling plasma, plasma में RBC होता है क्या? तो कहाँ प्रेजेंट रहता है हीमोग्लोबिन, हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट रहता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एडल्ट्स में हीमोग्लोबिन कैसा होता है, HbA हीमोग्लोबिन बोलते हैं, दो अल्फा और दो बीटा सब यूनिट्स होती है उसमें, पिछली बार हम बता चुके हैं आई थिंक, थोड़ा बहुत अगर नहीं याद होगा तो दैट यू कैन get it revised। HbA बोलते हैं, दो अल्फा दो बीटा हीमोग्लोबिन के चेन्स होते हैं, मतलब टोटल चार चेन्स होते हैं जिसमें दो अल्फा और दो बीटा होते हैं, और HbA इज द मेजर हीमोग्लोबिन इन नॉर्मल एडल्ट्स, लगभग 97% कौन सा होगा HbA हीमोग्लोबिन जिसमें दो अल्फा और दो बीटा सब यूनिट्स होती है। फिर फीटस में हम लोग देखें तो दो अल्फा और दो गामा सब यूनिट्स होती है, सॉरी चेन्स होती है, टोटल चार ही चेन होंगी लेकिन दो अल्फा और दो गामा चेन्स होंगी। तो HbF इज द मेजर हीमोग्लोबिन इन फीटस। हमने ये एक बात और डिस्कस की थी कि इम्ब्रियो किसको कहते हैं, फीटस किसको कहते हैं और इन्फेंट किसको कहते हैं। आई डोंट थिंक सबको याद होगा, लेकिन अमनदीप आई थिंक दो बार आंसर कर चुका है इसको। एनीबडी एल्स रिमेंबर्स इट, कि इम्ब्रियो किसे कहते हैं, फीटस किसे कहते हैं और इन्फेंट किसे कहते हैं? Yes sir, I do remember because I have revised like for 2-3 times I guess online. हाँ वही कह रहा हूँ मैं, दो बार तुमसे पूछ चुका हूँ और किसी ने तो आंसर नहीं किया, देखता हूँ कोई और। परहीन अंसारी, can you answer the question? Yes sir. But an embryo is the early stage of development of a baby or a multicellular organism. Okay. The early stage is known as embryo. Okay. And fetus refers the fetus is the unborn offspring that develops from an from mother, like from a human or an animal embryo. Okay. And so, kitne weeks? Yes, sir. Up to how much week we call it as embryo? लगभग 10-11 week तक, या 10-11 week तक हम उसको embryo बोलते हैं। 11th week से आपसे कह सकते हैं उसको हम लोग fetus बोलते हैं। ठीक है? Yes sir. फिर after मतलब वो birth के बाद हम उसको कब तक infant बोलते हैं? Sir, till 2 years.
No, not until it is up to 1 year. Infant मतलब ओके okay. और न्यूबॉर्न कब तक बोलते हैं? सो न्यूबॉर्न अमनदीप? एनीवन एल्स? यस सर, 2 years तक सर. 1 to 2 months न्यूबॉर्न. टू मंथ न्यूबॉर्न इज अप टू 2 months ना. वेरी गुड. टॉडलर किसे कहते हैं? सर 5 years तक. 5 years टिल 5 years. ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या टॉडलर 5 years तक बोलते हैं? सर 5 to 6 years आई गेस. मैं अगली बार सब पूछूंगा दोबारा. आई थिंक एवरीबडी शुड नो कि टॉडलर क्या होता है, इन्फेंट क्या होता है, न्यूबॉर्न क्या है, एम्ब्रियो क्या है, बिकॉज दीज विल बी द कॉमन टर्म्स यूज्ड इन योर डेली मतलब डेली टॉक में. आपके ये बहुत ही नॉर्मल फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स होंगे जिसको सबको ही जानना चाहिए ना. तो आई विल बी आस्किंग दिस क्वेश्चन ईच एंड एवरी टाइम आई विल बी टेकिंग योर क्लास. जब भी मैं आपकी क्लास लूंगा तो मतलब थोड़े थोड़े कॉमन क्वेश्चन पूछता रहूंगा. ठीक है सर, टॉडलर का आंसर तो बता दो. 3 to 5 years नहीं कहते सर टॉडलर्स? नहीं, टॉडलर मतलब होता क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं सर? बच्चा ही हो गया टॉडलर का मतलब. तो चिल्ड्रन मतलब क्या हुआ? चिल्ड्रन मतलब भी तो बच्चा हुआ ना. यस सर. इन्फेंट का मतलब क्या हुआ? बच्चा ही हुआ सर, वो भी सब बच्चे ही है. पैदा होने के बाद सब बच्चे ही हैं. यस सर. लेकिन यू अब टीनेजर किसको बोलते हैं? टीनेजर क्या होता है सर? अप टू 18 19 इयर्स, 10 टू 19 इयर्स बेसिकली. तो व्हाई नॉट 9? जहां भी टीन लग जाएगा सर. वो तो फिर 13 से लगा सर. वो तो फिर तो 13 से लगा. हाँ, तो जहां से लग रहा है वहीं से हुआ सर. सो इट विल बी फ्रॉम 13 टू 19. यस यस यस. तो ये सब कॉमन टर्म्स हैं जो आपको जानना चाहिए. अगली बार डिटेल्स में सबको ही पढ़ के आएगा. आई विल बी आस्किंग एवरीवन रैंडमली, नॉट अमनदीप ओनली. ठीक है, शुड आई प्रोसीड? तो हम लोगों ने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा कि HbA हीमोग्लोबिन होता है जिसमें 2 अल्फा 2 बीटा सब यूनिट्स होती है. दैट इज नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन में लगभग 97% HbA हीमोग्लोबिन होता है नॉर्मल एडल्ट्स में. ठीक है, और HbF क्या हुआ? 2 अल्फा 2 गामा हुए. ये मेजोरिटी मतलब दिस इज मेजर हीमोग्लोबिन इन फीटस. और इसको हमने बताया था कि इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन इज हायर एज कम्पेयर टू एडल्ट्स की हीमोग्लोबिन. फिर हमने बताया था कि हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था कि इसे टेट्रामर होता है और 2 अल्फा 2 बीटा सब इसमें चेन्स होते हैं. टोटल 4 चेन्स हो गए ना. और एक होता है 2 अल्फा 2. ये जो एस हीमोग्लोबिन है, मतलब 4 तरीके के हीमोग्लोबिन हो गए, HbA, HbF, HbS, HbA2. They will be having different other than मतलब ये अल्फा चेन जो है वो सेम है लेकिन बीटा की जगह देखो थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता जाएगा. तो उस हिसाब से हम लोग हीमोग्लोबिन का नाम चेंज कर देते हैं. फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो इम्ब्रियो में 3 मेजर तरीके के हम लोगों ने देखा था इम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन Gover 1, हीमोग्लोबिन Gover 2 एंड हीमोग्लोबिन Portland. और एडल्ट में नॉर्मल एडल्ट में लगभग 1.5 से 3.5% में क्या होता है? HbA2 हीमोग्लोबिन होता है जो कि इंक्रीज कर जाता है बीटा थैलेसीमिया. थैलेसीमिया सबने सुना है ना? व्हाट इज थैलेसीमिया? एनीवन रिमेंबर्स व्हाट इज थैलेसीमिया? हीमोग्लोबिनोपैथी हमने बताया था. हीमोग्लोबिन में जो एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिनोपैथी. तो उसमें क्या है, एक आया था टर्म थैलेसीमिया. किसी को याद है थैलेसीमिया कितने तरीके के होते हैं? एनीवन? यस सर. कितने तरीके के होते हैं सर? आई गेस 2 अल्फा एंड बीटा.
सर टू अल्फा एंड बीटा, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया, ठीक। फिर उसमें भी मेजर और माइनर में डिवाइड किया गया है ना, ठीक है। तो थैलेसीमिया थोड़ा अगली बार पढ़ के ना, मैं आई विल बी आस्किंग क्वेश्चन अबाउट थैलेसीमिया। आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड हीमोग्लोबिन का चेंज जो है डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे तो हीमोग्लोबिनोपैथीज में ये भी आता है ना कि आपका हीमोग्लोबिन आयरन की कमी हो गई और विटामिन B12 की कमी हो गई, ठीक है, फोलिक एसिड की कमी हो गई, तब भी तो आपको एनीमिया हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? यस सर। तो हीमोग्लोबिनोपैथीज जो थैलेसीमिया है दैट इज डिफरेंट थिंग। उसमें क्या हो रहा है कि हीमोग्लोबिन का वो क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है ना, जबकि खान पान की वजह से क्या हो रहा है, अगर हम फोलिक एसिड कम ले रहे हैं और विटामिन B12 की कमी हो जा रही है या आयरन की कमी हो जा रही है, तो वो क्या है, बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल हमारी जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सही से पूरी नहीं हो पा रही है, तो दैट इज कॉजिंग एनीमिया। लेकिन थैलेसीमिया की वजह से जो एनीमिया हो रहा है दैट इज जेनेटिक। समझ में आ रही है बात? यस सर। थैलेसीमिया क्या हो रहा है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जबकि एनीमिया जो है जो विटामिन B12 की वजह से हो रहा है या फोलिक एसिड, दैट इज न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। सो सर, ये थैलेसीमिया जो होता है वो जो आपने कहा कि ये जेनेटिक है या इनहेरिटेड होता है, तो ये बचपन से होता है या ये एडल्टहुड में भी हो सकता है? नहीं नहीं, बचपन से ही होता है, आपको तो पता चल जाता है। ओके। आप पता करना चाहो तो फिर पता चल जाता है, उसके ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं कुछ। सो सर, ये जैसे प्रेगनेंसी स्टेज पे जो एंडोस्कोपी होती है उसके अंदर ये डिटेक्ट नहीं हो सकता? नहीं, उसके अंदर डिटेक्ट नहीं हो सकता, एंडोस्कोपी से क्या वो तो ब्लड में विजिबल होगा, या तो बच्चा पैदा हो जाएगा उसको एनीमिया हो रहा है, हमको रीजन नहीं पता चल रहा है। और क्या होता है इसमें, जैसे फैमिली में भी आपको मान लो फादर या मदर को होगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा ना, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। मदर या फादर किसी को एक होता है, या तो दोनों का हो गया तो फिर और बढ़ जाती है बात। तो मतलब दैट इज जेनेटिक, मतलब आपके माता पिता से आया आगे, ठीक है। फिर हम लोग, ये चार्ट दिख रहा है सबको, ग्राफ दिख रहा है? Yes, sir. ग्राफ तो हम लोगों ने ग्राफ के बारे में पढ़ा था, इसमें देखा था हम लोगों ने किस तरीके से जो है हमारे हीमोग्लोबिन में चेन्स का डिफरेंशिएशन होता है, मतलब चेन किस समय में हीमोग्लोबिन में कौन सी चेन पाई जाती है। तो हम लोग देखेंगे कि भाई एडल्टहुड में देखो ये यहां से शुरू हो रहा है, एज की बात करें तो बर्थ के बाद देखेंगे तो 6 महीने के बाद लगभग ज्यादातर हीमोग्लोबिन हमारा क्या हो जाता है, फीटल से हटके हीमोग्लोबिन एडल्ट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये हम लोग उसके बेसिस पे देख सकते हैं, मतलब शुरू के देखो जब इम्ब्रियो, जब तक इम्ब्रियो होगा तो दूसरे चेन्स होंगे उसमें, फिर उसके बाद जब फीटस में क्या होगा, दूसरा चेन होगा उसमें हीमोग्लोबिन में। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा, मतलब इन्फेंट में क्या होगा, न्यूबॉर्न और इन्फेंट में क्या होगा, चेन जो है हीमोग्लोबिन की डिफरेंट हो जाती है, और 6 महीने तक आते आते लगभग पूरा ही जो है हीमोग्लोबिन वो एडल्ट टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं HbF हीमोग्लोबिन। थोड़ा बहुत उसमें कुछ पार्ट HbA2 का रहता है और कुछ फीटल हीमोग्लोबिन रह जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट इज कन्वर्टेड अप टू 6 मंथ तक। क्या होगा, पैदा होने के 6 महीने बाद तक में लगभग ज्यादातर लोगों में हीमोग्लोबिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एडल्ट टाइप। ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, हेमी का, ये बीच में आयरन है, एक हेमिक से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है। हमने 2-3 BPG के बारे में बताया था, स्टेबलाइजेस द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, डीऑक्सीहीमोग्लोबिन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्रमोट्स द सिंथेसिस ऑफ 2-3 BPG। ये 2-3 BPG हमने बताया था कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन के रिलीज में टिश्यू लेवल पे हेल्प करता है। हमने बताया था कि एडेप्टेशन हाई एल्टीट्यूड पे कैसे होता है, या तो हमारे ब्लड में एरिथ्रोसाइट्स बढ़ जाते हैं, या तो कंसेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है और 2-3 BPG का लेवल भी बढ़ जाता है। तो अमनदीप ने क्वेश्चन पूछा था कि सर BPG कैन कॉज नेक्रोसिस, कैन बी कॉज
कैन बी अ कॉज ऑफ नेक्रोसिस, मतलब नेक्रोसिस में पड़ जाएगा. डू यू रिमेम्बर अमनदीप? हेलो एम आई ऑडिबल? यस सर यू आर ऑडिबल. ओके आगे बढ़ते. तो एडेप्टेशन एट हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन एरिथ्रोसाइट्स का नंबर बढ़ जाते हैं, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और 2-3 बीपीजी का भी ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ जाता है. हमने ये भी पढ़ा है कि एनीमिया कैसे होता है, या तो रिडक्शन इन नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स या रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन. रेड ब्लड सेल्स के नंबर में कैसे रिडक्शन आ सकता है, बिकॉज ऑफ लो इनटेक ऑफ फोलिक एसिड और विटामिन बी12, दो विटामिन जो कि आरबीसी का नंबर को डिटरमाइन कर सकते हैं, सिंथेसिस को डिटरमाइन कर सकते हैं. वो कौन से हमें विटामिन है, फोलिक एसिड एंड विटामिन बी12 आर द विटामिन इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी के नंबर को डिटरमाइन करेंगे. दूसरा क्या है, कैसे कमी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन की रिडक्शन से. वो कैसे हो सकता है, बिकॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी. दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, इसका भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंस पढ़ा था. आई थिंक एवरीबॉडी रिमेंबर्स की है ब्लड ग्लूकोज लेवल का 3-6 महीने, मतलब लंबे समय तक के लिए अगर हमको ब्लड ग्लूकोज का ये देखना है कि मीन लेवल क्या रहा होगा, तो हम लोग जितने डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, HbA1c को चेक करते हैं, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द मीन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन ओवर द प्रेसिडिंग 3-4 महीने के बीच में किस तरीके का हीमोग्लोबिन ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल रहा है उसको ये इंडिकेट करता है. मतलब इसका परसेंटेज ज्यादा हो जाता है तो इसका ये मतलब होता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल काफी ज्यादा रहा है इन लास्ट 3-4 months में. तो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस. डायबिटीज मेलिटस कितने तरीके के होते हैं हमने बताया था, एनीवन रिमेंबर्स? तो दो मेजर टाइप्स बांटे गए हैं डायबिटीज के, टाइप 1 एंड टाइप 2, एंड आल्सो जेस्टेशनल डायबिटीज व्हिच सर आपने वो शायद नहीं बताया था. जेस्टेशनल डायबिटीज में क्या होता है सर, प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है डायबिटीज, होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. वेरी गुड, बढ़ जाते. टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है? सो सर वो जेनेटिक होती है और टाइप 2 आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है बेसिकली. टाइप 1 जो होता है उसको जुवेनाइल, मतलब आपको बचपन में होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, और दैट इज बिकॉज ऑफ मेजर रीजन क्या होता है, बिकॉज ऑफ इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है. जबकि टाइप 2 में क्या होता है, पार्शियल आप मान सकते हो कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो रही है और आपका बॉडी विल बी रेजिस्टिंग टुवर्ड्स इंसुलिन, मतलब इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. ठीक है, तो दैट इज एडल्ट ऑनसेट. टाइप 2 इज एडल्ट ऑनसेट. हमने बताया था सिकल सेल एनीमिया के बारे में, एनीवन रिमेंबर्स? आरबीसी का जिसमें शेप चेंज हो जा रहा था. ये फोटो किसी को याद है, नॉर्मल आरबीसी कैसा होता है? ये है नॉर्मल आरबीसी की फोटो. जबकि सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया सबने सुना है कि नहीं, बीमारी सिकल सेल डिजीज हो गया है जिसमें हसिया की तरह जो आरबीसी का शेप क्या होगा, सिकल शेप हो जाएगा. और इट हैज टेंडेंसी टू, इसका टेंडेंसी क्या होता है, एक कैपिलरीज में और ब्लड वेसल्स में क्या होगा, एडहेर कर जाता है, चिपक जाता है, कैपिलरीज को क्या करेगा, ब्लॉक कर देता है. और इसकी टेंडेंसी, ये सिकल शेप कैसे हो जाता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अगर ब्लड में कम हो गया, पार्शियल प्रेशर कम हो गया, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो गया है तो क्या होगा, ये सिकल शेप हो जाता है और क्या करेगा, कैपिलरीज को जाके ब्लॉक कर देता है. ठीक है, तो दिस इज सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल डिजीज. फिर हम लोगों ने मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ा था. मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है और इट इज ए मोनोमर, मतलब वन ग्लोबिन चेन होता है, इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है और काम क्या होता है इसका, ऑक्सीजन को स्टोर करना मसल्स में.
मसल्स में क्या करता है, ये मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है, इट बाइंड्स ऑक्सीजन मोर टाइटली एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन एंड इट बाइंड्स टू वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज इट हैज ओनली वन हेमोग्लोबिन। और ये क्या होता है, एक मोनोमरिक प्रोटीन होता है, मतलब एक तरीके का अमाइनो एसिड, 153 अमाइनो एसिड्स रिपीटेड रिपीटेशन में पाए जा रहे हैं। और इसमें क्या होता है, एक हेमी ग्रुप होता है और एक ग्लोबिन प्रोटीन होता है। इट हैज ए लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, इट इज ए ग्लोबुलर स्ट्रक्चर,